एक मजूसी था जो आग की पूजा क्या करता, ईमान नहीं था। बाप बेटा मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था तो बेटा ने कुछ लिया और खाना चालू कर दिया। बाप ने डांटते हुए कहा, शर्म आती कि रमजान का महीना है, मुसलमानों का बाजार है, रमजान का महीना है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा आप भी तो खाते हो। बाप को गुस्सा आया, एक तमाचा उसके मुंह पे रख दिया। तो तुम्हें गैरत आनी चाहिए, मैं खाता हूं पीता हूं लेकिन छुपकर खाता पीता हूं। एक आज की पूजा करने वाला जिसका ईमान नहीं है, वो मुसलमानों के मोहल्ले में आकर अदबो एहतराम कर रहा है, बेटे को ताकीद कर रहा है कि ऐलानिया खाओ पियो मत, इसलिए कि मुसलमानों का रोजा है, रमजान का महीना चल रहा है। बेटे को ताकीद किया, जबकि वो मजूसी है, ईमान वाला नहीं है। जब वो शख्स इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, एहसान है कि जब मेरा आखिरी वक्त हुआ, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत भी अता किया और जन्नत भी नसीब किया। नौजवानों सोचिए, एक मजूसी जो आग की पूजा कर रहा है, रब ने अब वो एहतराम रमजान का उसने किया, खाली के कायनात ने उसको ईमान की दौलत दे दिया, बख्श दिया उसे। हम गुलामाने मुस्तफा हैं, हमारी शान क्या होनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान वो चीज है, अगर कोई डंडा उठा के हाथ में मारे तो हाथ बचाएगा, बचाएगा कि नहीं बचाएगा, पांव पे मारेगा तो पांव बचाएगा, और सर पे अगर डायरेक्ट मार दे तो खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म। किसी के सर पे डंडा डायरेक्ट रख दे तो मर जाएगा। जब हमारे या आपके ऊपर इश्क़े मुस्तफा की वाजिब दौलत पर अगर कोई नबी का गुस्सा हमें बहकाए, हमें गुमराह करे, हमारे ईमान पर डाका जरी डाले, वो कैसा भी अजीज हो उससे नफरत करो, उससे नफरत करो, क्योंकि सारी कायनात का निचोड़ वो है ईमान। ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो सदका है। ईमान रहेगा जबकि तो दुआ की अल्लाह तबारक व तआला हम सब ईमान की सलामत अता फरमाए।